हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों फोटोशॉप के इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर से एक बार एक्शन शेयर करने वाला हूं, जिस एक्शन का नाम है बुके ओवरले एक्शन। इस एक्शन को यूज़ करके आप अपने फोटो में बुके का जो ओवरले इफेक्ट होता है वो आसानी से लगा सकते हैं। आप जिस एक्शन को प्ले करना है देन मैं आपके साथ कुछ बुके शेयर करूंगा, उस बुके को जस्ट सेलेक्ट करना, फोल्डर ऑटोमेटिकली ओपन होगा, देन आपके फोटो पे वो बुके जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। देन उसे आप बाद में भी चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जहाँ पे भी मन चाहे वहाँ पे शो करवा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, या फिर जहाँ मन नहीं चाहे वहाँ पे भी नहीं भी करवा सकते। ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपका दिल करे वैसा कर सकते हैं मास्क का यूज करके। वो एक्शन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एक्शन के साथ साथ आपको उसमें कुछ बुके फाइल भी मिलेंगे, देन उस फाइल को उस एक्शन के साथ यूज़ करना। कैसे यूज़ करना, क्या क्या प्रोसेस है इसमें, सारा मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे इस सारे प्रोसेस को सीखने के लिए। फिर एक जरूरी बात मैं बता दूँ दोस्तों कि आप लोग फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोग कुछ भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है, फाइल अच्छा लगता है, आप इसे डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करते यार तो कम से कम एटलीस्ट एक लाइक तो मुझे बनता है ना, कम से कम एक लाइक कर दो, ताकि लाइक करते आप लोग तभी मैं एक्साइटेड हो सकता हूँ आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो लाइक करना ना भूले, जरूर आप लाइक कर दे इस वीडियो को। तो क्या ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, सिंपली वीडियो को स्टार्ट करते, देखते वो बुक के जो ओवरले एक्शन है वो किस टाइप की एक्शन है और कैसे उसे यूज़ करना है। चलने से पहले दोस्तों बता दूँ, अभी तक आपने देसी में सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये जिप फाइल एक फोल्डर है। जिप फाइल में क्या लिखा हुआ, ऑसम बुके ओवरले एक्शन फॉर फोटोशॉप डाउनलोड फ्री वॉल्यूम 17। इट मीन्स वॉल्यूम 16 तो ऑलरेडी अपलोडेड है देसी मिसी को चैनल पे और वेबसाइट पे भी, जाके आप उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करना है, देन आपके पास फोल्डर ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एक्शन का फोल्डर दिख रहा है जिस एक्शन को हम लोग फोटोशॉप में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। एंड देन यहाँ पे बुके का कुछ इमेजेस दिए हुए मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप ना 50 इमेज मिल जाएगा। इस इमेज को आपको बुके कैसे फोटो पे यूज़ करना, क्या इफेक्ट आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन सबसे लास्ट में जेपीजी है जो कि आपको एक सैम्पल फोटो दिया हुआ, देन मैंने जैसे थंबनेल में यूज़ किया हुआ तो कुछ बुके का इफेक्ट बनाया था यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है आप अपने फोटो में सिंगल वन क्लिक में बना सकते हैं। बस क्लिक करना है, देन फोटो को सेलेक्ट करना है, ये इफेक्ट जो है ऑटोमेटिकली आपके फोटो पे अप्लाई हो जाएंगी। देन इसे आप एक अपने अकॉर्डिंग जहां मन चाहे वहां एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल इमेज है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने फोटोशॉप पे, विंडो पे आते हैं, एक्शन, देन यहाँ पे आपको करना है क्लिक। इस जो मेन्यू बार वाला यहाँ पे आइकन दिख रहा है, यहाँ पे पहले गियर का आइकन हुआ करता था बट अभी यहाँ पे तीन डॉट जो दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे करना है लोड एक्शन। लोड एक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाना है इस फोल्डर पे, एक्शन वाले फोल्डर पर, जहाँ पे भी ये फोल्डर आप रखे होंगे उस एक्शन वाले को ओपन करें, देन बुके एक्शन को सेलेक्ट करें एंड लोड कर दें। ये फाइल यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ऐड बुके यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब सिंपली इस फोल्डर को यहाँ से ओपन करें। अब देखें यहाँ पे बुके एक्शन एक ही एक्शन है, बस एक ही एक्शन के हर इमेज में आप लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इमेज को ओपन कर लेते हैं इसे यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ये इमेज, ये मैं इसी इमेज को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे फोटोशॉप में ड्रैग किए यहाँ पे ये मैंने इमेज ओपन कर लिया। डन, अब यहाँ पे देखिए जस्ट इसमें एक ही एक्शन, जैसे एक्शन को आपको सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से प्ले पे क्लिक करना है। जस्ट प्ले पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप खुलेगी, इस पॉपअप में कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही पॉपअप खुलेगा, देन उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे आप जहाँ पे भी, अगर डेस्कटॉप पे रखें डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी रखेंगे जस्ट इस लोकेशन पे जाकर इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे आप। ठीक, इन मेरे केस में ये डायरेक्टली ओपन हो गया क्योंकि मैंने पहले इसे यूज़ किया हुआ था। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली ये फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, किसी एक बुके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है इसे अप्लाई करने के लिए। जैसे इसे मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ से प्लेस कर दिया। प्लेस करते यहाँ पे देखो रेक्टेंगल आ गया। अब इसे ड्रैग करके पूरे फोटो में एडजस्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, देन इंटर करते हुए जो इफेक्ट है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे आपके फोटो में। जैसा कि देख सकते होंगे आप कि जो मेरा बुके इफेक्ट है ऑटोमेटिकली मेरे फोटो में प्लेस हो गई है ना। काफ़ी मतलब आप खुद भी देख सकते हो कि फोटो की क्वालिटी जो है टोटली चेंज हो चुकी है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें कुछ अगर चेंजेस करना होगा तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कहीं पे वो इफेक्ट पड़े कहीं पे ना पड़े, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट इमेज को यहाँ से सेलेक्ट रखना है आपको, देन इमेज पे यहाँ पे मास्क लगा देना है, देन यहाँ से ब्रश लेना है आपको। अब ब्रश लेकर के यहाँ पे ध्यान दें आपकी टॉप वाला जो ब्लैक कलर होना चाहिए, ये ब्रश लिया मैंने, यहाँ पे मास्क लिया और ये ब्रश लिया, ये ब्लैक कलर, यहाँ मास्क लिया। ठीक है, अब जहाँ पे भी ये इफेक्ट आपको नहीं चाहिए जस्ट वहाँ पे ब्रश कर देना आपको। जैसे कि फेस पे वो शाइनिंग नहीं आनी चाहिए, देख सकते हैं आप है ना, ये फेस पे शाइनिंग नहीं आना चाहिए, तो फेस पे मैंने कुछ इस तरीके से ब्रश कर दिया। तो ये मास्किंग आप अगर फोटो से जानते हैं तो मास्किंग 100% आपको पता होगा। तो इस तरह से मास्क करके कुछ फीचर
इफेक्ट को थोड़ा हाइड कर सकते हैं कुछ जगह के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी खूबसूरत हो जाता है फोटो को लुक चेंज करने के लिए। इसे मैंने डिलीट करता हूँ, जैसे यहाँ से अगेन मैं कुछ फिल्टर को अप्लाई करके देखता हूँ, अगेन प्ले करते हैं हम लोग कंटिन्यू अगेन, देन सेलेक्ट करते हैं किसी फाइल को, जैसे कि मैं यहाँ पे इस बार सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसे सेलेक्ट करते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। देन प्लेस प्लेस करते हैं यहाँ पे, जैसे ड्रैग करके फोटो के साथ एडजस्ट करना है, देन इंटर इंटर करते ही वो जो इफेक्ट है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे आपके फोटो में। जबकि देख सकते हैं कि जो अगर बुके का इफेक्ट आपको अपने फोटो में लगाना है तो ये काफ़ी अच्छी फाइल है, आप इसे डाउनलोड करें और आसानी से यूज करें। यूज करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, पसंद आएगी फाइल पसंद आएगी, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट में भी फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया कि वीडियो पसंद आई होगी, फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए कम से कम एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि इस तरह के वीडियोज़ में और अपलोड करता रहूँ और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।